हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को कंप्लीट किया था। आज हम डीकम्पोजिशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। डीकम्पोजिशन प्रोसेस किस तरह से होता है, इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। यहाँ पर ये रहा डीकम्पोजिशन। चलिए शुरुआत करते हैं हम डी कंपोजिशन की। डीकंपोजिशन प्रोसेस में सबसे पहले आप बच्चों से मैं कह देता हूं कि ऐसा मटेरियल जो कि अभी फ्रेशली फॉलन मटेरियल है, उसे आप अनडीकम्पोज्ड के नाम से पुकारते हैं। और ये अनडीकम्पोज्ड मटेरियल लिटर या फिर डिट्राइटस के नाम से पुकारा जाएगा। और जब ये पार्शियल डिकम्पोज हो जाता है, पार्शियल डिकम्पोज जब ये हो जाएगा, तो पार्शियल डिकम्पोज मटेरियल को आप यहाँ डफ के नाम से पुकारेंगे। और जब ये कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा, कंप्लीट डिकम्पोज अगर हो गया, तो इसे बेटा हम यहाँ पर ह्यूमस के नाम से पुकारेंगे। तो बच्चे समझ जाइए, अनडिकम्पोज्ड, पार्शियल डिकम्पोज्ड और कंप्लीट डिकम्पोज मटेरियल की बात हो रही है। अनडिकम्पोज्ड को आप लिटर या डिट्राइटस कहते हैं, पार्शियल डिकम्पोज को आप डफ कहते हैं और कंप्लीट डिकम्पोज को आप ह्यूमस के नाम से पुकारते हैं। चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आज लीफ फॉल हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर टूटी हुई पत्तियां पड़ी हुई है। अरे यहाँ पर ये कुछ पेड़ भी टूटे होंगे और कुछ एनिमल भी यहाँ पर मरे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ ये सारा का सारा जितना भी मटेरियल है, जो कि यहाँ सारा कचरा एक साथ आया हुआ है, उसे आप डेट्राइटस के नाम से पुकारते हैं। डेट्राइटस यहां पर बन चुका है। अब आप कहें कि सर, लिटर और डेट्राइटस में क्या फर्क है? अगर हम लिटर और डेट्राइटस के डिफरेंस की बात करते हैं, तो बच्चों मैं आपसे सीधा कहूंगा कि ऐसा मटेरियल जो कि यहां पर फ्रेशली फॉलन है, मतलब अभी अभी ताजा ताजा ही यहां पर ब्रेक हुआ है, फ्रेशली फॉलन मटेरियल है, तो इसे आप यहाँ पर लीटर के नाम से पुकारेंगे। जैसे पेड़ से पत्ती टूट रही है, जब पेड़ से पत्ती टूटती है तो वो लीटर कहलाती है, लेकिन जैसे ही वो सारे कचरे में सूख कर मिक्स हो जाती है, तो उसे आप डिट्राइटस के नाम से पुकारते हैं बेटा। तो यहाँ पर जब वो कचरे में मिक्स हो जाएगी, तो उसे हम डिट्राइटस कहेंगे। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, ये रहा सारा का सारा कचरा जिसे कि आप डिट्राइटस के नाम से पुकार पा रहे हैं, डिट्राइटस कह रहे हैं। और अब यहां पर आप देख पाएंगे कि जब ये डिट्राइटस पर एक्टिविटी की बातें होगी, तो बैक्टीरिया फंगस को मना नहीं है, आओ खाओ, बैक्टीरिया फंगस आ सकते हैं, खा सकते हैं, उन्हें कोई मना नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आज ये प्रोसेस हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पहले उनको बुलाएंगे जो कि इस बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़े। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर, आपके बुलाने से थोड़े ना आते हैं, आएगा तो वही जिसे आना है। बात सही है बेटा आपकी, आएगा तो वही जिसे आना है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, आज हम ये प्रोसेस समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम पहले उनको बुलाएंगे जो बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। चलिए तो यहां पर, और जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो आप बच्चे खुद ही कह देंगे कि सर, आएगा तो वही जिसे आना है। चलो फिर मैं यहां पर अभी सबसे पहले यहाँ डिट्राइटिवोर्स को बुलाना चाहूंगा। डिट्राइटिवोर यहां पर आ रहे हैं, डिट्राइटिवोर्स यहां पर आ रहे हैं, डिट्राइटिवोर। और डिट्राइटिवोर्स के अंदर आप बच्चे जानते हैं कि यहां अर्थवर्म ये आ रहा है,
बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टर्माइट भी यहाँ पर आएगी, यहाँ चींटियाँ भी आ रही है, और ये सब आकर बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। और जब बड़े पार्टिकल छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उसे आप यहाँ पर ये रहे स्मॉल 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 पार्टिकल्स ये देख सकते हैं बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। और जब ये स्मॉल पार्टिकल बन जाएंगे तो यहाँ पर इसे पार्शियल डिकम्पोज्ड डफ के नाम से पुकारा जाएगा, इसे आप डफ कह रहे हैं जो पार्शियल डिकम्पोज्ड मटेरियल है। यहाँ पर ये पार्शियल डिकम्पोज मटेरियल बन रहा है जिसे मैं डफ के नाम से पुकारूंगा। अब ऐसा होने से बैक्टीरिया फंजाई का और फायदा हो गया। अरे बैक्टीरिया फंगस का ये फायदा हो गया कि बैक्टीरिया फंगस यहाँ पर जब बड़े पार्टिकल छोटे टुकड़ों में चले जाते हैं तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा तो फिर एंजाइम एक्शन भी ज्यादा होगा, एंजाइम एक्शन भी बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एंजाइम एक्शन भी ज्यादा होगा। तो अब हम यहाँ पर बैक्टीरिया फंगस को बुला रहे हैं कि बैक्टीरिया फंगस यहाँ पर आएंगे और इसके ऊपर एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमने बैक्टीरिया फंगस को बुलाना शुरू कर दिया है। ये यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आओ बैक्टीरिया आओ फंजाई, और ये फंजाई बैक्टीरिया जो यहाँ पर आए हैं ये यहाँ आप इनकी आदत जानते हो ना, ये यहाँ पर बेटा पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, और पचाने के लिए पहले ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ये पहले आएंगे और पचाने के लिए ये बाहर ही एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है, और जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा तो बाहर ही एंजाइम सिक्रीट कर दिए जाएंगे, और जब बाहर ही एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एंजाइम सिक्रीशन की वजह से आप देख पाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ कन्वर्ट इंटू सिंपल 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 ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ के साथ में इनऑर्गेनिक मिनरल इनऑर्गेनिक मिनरल इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो रहा है, इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो जाएगा। यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको आप ह्यूमस के नाम से पुकारेंगे बेटा, ह्यूमस कहते हैं, और इनऑर्गेनिक मिनरल यहाँ पर फ्री हो चुका है। इनऑर्गेनिक मिनरल यहाँ पर अब फ्री हो गया क्योंकि जब उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ के बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो जाएगा, अब वो फ्री हो रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हर एक बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि जब डेट्राइटिवोर्स जब यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं, अर्थवर्म टर्माइट्स एंट्स ये जब एक्टिविटी करेंगे तो इसे डीकम्पोजिशन की पहली स्टेप फ्रेगमेंटेशन के नाम से पुकारा जाएगा। क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन कहेंगे बेटा। और जब यहाँ पर बैक्टीरिया फंजाई जब यहाँ डफ पर एक्टिविटी कर रहे हैं एंजाइम सिक्रीशन कर रहे हैं तो उसे आप डीकम्पोजिशन की सेकेंड स्टेप कैटाबोलिज्म के नाम से पुकारते हैं बेटा। और जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है तो ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है बेटा, ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है, और इनऑर्गेनिक मिनरल का सेपरेट हो जाना मिनरलाइजेशन यहाँ पर कहलाता है, इसे आप मिनरलाइजेशन के नाम से पुकार रहे हैं, ये मिनरलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिनरलाइजेशन हो रहा है, ह्यूमिफिकेशन हो रहा है, वैसे तो साथ के साथ हो रहा है, लेकिन बाय द वे अगर आपको बताना पड़े तो पहले ह्यूमिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है और फिर यहाँ पर मिनरलाइजेशन हो रहा है। अचानक तेज बरसात, और जब अचानक तेज बरसात यहाँ पर होने लग जाती है तो उस केस में आप बच्चे देख पाएंगे कि यहाँ पर जब तेज बरसात हो रही है, ये देख सकते हैं तेज बरसात हो रही है, तो उस केस में यहाँ पर
वाटर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक मिनरल, वाटर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक मिनरल, वाटर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक मिनरल, ये नीचे की तरफ चले जाएंगे और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल अलोंग विद वाटर, जब यहाँ पर इनऑर्गेनिक मिनरल पानी के साथ नीचे आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को आप लीचिंग के नाम से पुकारते हैं, इसे बेटा आप लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लीचिंग यहाँ पर हो रही है, ये थर्ड स्टेप यहाँ है। मैंने कहा लीचिंग क्या है, मैं एक बार फिर आप बच्चों को रिवाइज कर रहा हूँ। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल अलोंग विद वाटर लीचिंग कहलाता है। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, लेकिन केवल इनऑर्गेनिक नहीं, अरे कुछ ऑर्गेनिक भी जाएगा और ऑर्गेनिक भी नीचे की तरफ साथ में जाएगा जो वाटर सॉल्यूबल होगा। लेकिन याद रखो बच्चों, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक नीचे की तरफ जा रहा है और मैक्सिमम इनऑर्गेनिक का नीचे की तरफ जाना यहाँ पर डेफिनेशन में ऐसे ही बोला जाएगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल अलोंग विद वाटर, वही बेटा यहाँ पर लीचिंग हो रहा है बच्चों यहाँ। लेकिन याद रखो, क्वेश्चन अगर आता है कि लीचिंग में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोथ, तो आपका आंसर बोथ हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर बोथ ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका वेटेज इनऑर्गेनिक को जाएगा, ये आप सब बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, फिर हम वेटेज इनऑर्गेनिक के ऊपर दे देंगे। तो यहाँ अब तक मैंने आपको डिकम्पोजिशन प्रोसेस में सब बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन की बात की, फिर कैटाबोलिज्म की बात की, फिर ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन और लीचिंग की बातें मैंने आपसे यहाँ पर की है बेटा। तो ये सारी स्टेप्स जो भी यहाँ पर हो रही है, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, लीचिंग, जल्दी से मुझे बताइए इन सारी स्टेप्स में वो स्टेप का नाम बताइए जो अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात, लीचिंग। अरे अगर लीचिंग नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लीचिंग होकर तो नुकसान ही हो रहा है। अरे ये तो ऐसी जगह पे चला गया है जो प्लांट के लिए अनअवेलेबल सॉल्ट बन रहा है, और अगर ऐसा हो गया कि अनअवेलेबल सॉल्ट अगर ये बन रहा है, तो ये तो बाद में फिर कभी जब वैदरिंग होगी तब ऊपर की तरफ आएगा, तब तक के लिए तो ये अनअवेलेबल सॉल्ट है। तो कह दीजिए लीचिंग वो स्टेप है जो ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों यहाँ आज मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, लीचिंग स्टेप वाइज समझाया, समझाया, ये मैंने आपको स्टेप वाइज समझाया है। वैसे अगर देखा जाए तो सारी स्टेप्स एक साथ ही हो रही है। अरे अच्छे से कहिए, ऑल द स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली बेटा, सब एक साथ ही होता है। बच्चों आप खुद भी तो सोच के देखो, ऐसे थोड़ा ना होता है कि आज पहली बार पत्ती टूटी है, पहली बार पेड़ टूटा है, एनिमल मरा है, अरे अर्थवर्म पहले तुम आओ, पहले तुम खाओ, अच्छा खा लिया क्या, चलो भाई हटो, अब यहां पर बैक्टीरिया आएगा, अच्छा बैक्टीरिया हो गया क्या, चलो भाई बरसात हो रही है, अब लीचिंग होगी, अच्छा हो गई क्या, चलो भाई सफाई करो। ऐसे थोड़ा ना होता है, जिस टाइम पर ह्यूमिफिकेशन हो रहा हो नई पत्ती टूट सकती है, अरे जिस टाइम पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा हो उस टाइम पर लीचिंग हो सकती है। तो याद रखें, जब 12th एनसीईआरटी बुक में जब डीकम्पोजिशन प्रोसेस को समझाया जाता है, तो एनसीईआरटी जो 12th एनसीईआरटी बुक है वो यहाँ पर जब डीकम्पोजिशन प्रोसेस को समझाती है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक के अंदर डीकम्पोजिशन प्रोसेस में स्टेप्स को कुछ ऐसे लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन की बातें हो रही है, फिर उसके बाद में यहाँ पर लीचिंग यहाँ पर आ जाती है। बच्चों एनसीईआरटी ने सिर्फ स्टेप ऐसे लिखी है, ये नहीं कहा आपसे कि इसी इसी तरह से ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटाबॉलिज्म को ऐसे समझाया गया है। तो बच्चों स्टेप्स में ऐसा लिखा गया है, इसे पढ़कर आप कंफ्यूज मत होना कि इसी तरह से ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ कैटाबॉलिज्म के दो सब पार्ट होते हैं, आप जानते हैं ह्यूमिफिकेशन भी यहाँ पर होता है, अरे मिनरलाइजेशन भी यहाँ पर होता है। तो ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन हो रहा है, और याद रखना बेटा जो ह्यूमस यहाँ पर बन रहा है, जो ह्यूमस बन रहा है उसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, और इनऑर्गेनिक मिनरल का बनना
मिनरलाइजेशन यहाँ पर कहलाता है। बेटा याद रखें, यहाँ ऑल द स्टेप्स कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। एनसीईआरटी बस इस सीक्वेंस में समझा रही है आपसे, ये नहीं कहा कि इसी स्टेप में ये होगा। अरे उन्होंने तो एक एक स्टेप लेकर उसका बता दिया कि किस स्टेप में क्या हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बच्चों यहाँ जो ह्यूमस तैयार हो रहा है, ये ह्यूमस डार्क कलर होता है, ये एमॉर्फस होता है, डार्क कलर एमॉर्फस, कोलोइडल नेचर का होता है, कोलोइडल नेचर का होता है, डार्क कलर्ड है, एमॉर्फस है, कोलोइडल है। तो डार्क कलर एमॉर्फस कोलोइडल सब्सटेंस को आप ह्यूमस के नाम से पुकारते हैं। तो बच्चों डिकम्पोजिशन प्रोसेस में आप अभी तक देख सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में आना। मिनरलाइजेशन, इनऑर्गेनिक मिनरल का फ्री हो जाना, ये मिनरलाइजेशन कहलाता है। और आप बच्चों को एक बात मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि ह्यूमस, देखो इनऑर्गेनिक मिनरल जब सॉइल में आ जाएगा तो इनऑर्गेनिक मिनरल प्लांट के पास में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ह्यूमस का क्या होगा? अरे बेटा ह्यूमस भी अल्टीमेट एक दिन पड़ा पड़ा इनऑर्गेनिक मिनरल में ही टूटेगा, वो भी एक दिन इनऑर्गेनिक मिनरल में ही टूटकर इनऑर्गेनिक मिनरल ही बनने वाला है, और उसी के साथ वो टूटकर आगे की तरफ जाएगा और प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ह्यूमस का फ्यूचर भी एक दिन इनऑर्गेनिक मिनरल ही है, ये आप बच्चों को यहाँ पर क्लियर रहना चाहिए। ह्यूमस भी एक दिन इनऑर्गेनिक मिनरल में ही टूटेगा। और अब अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डीकम्पोजिशन, उसकी बातें अगर हम आपसे करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डीकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग डीकम्पोजिशन। और फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर यहां पर आता है टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डीकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो डीकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा। अब आप बच्चे कहेंगे कि ज्यादा का क्या मतलब है? अरे ज्यादा का मतलब 100 डिग्री नहीं है, ज्यादा का मतलब यहाँ ऑप्टिमम रेंज है जो 20 से 40 डिग्री की है, 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। याद रखना बेटा, अगर आप 20 से कम करते हो तो भी डिकम्पोजिशन कम होगा, और अगर आप 40 से ज्यादा जाते हो तो भी डिकम्पोजिशन कम होगा, लेकिन 20 से 40 की तरफ जाते हो तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे टेम्परेचर ज्यादा तो डिकम्पोजिशन ज्यादा। दूसरा आता है यहाँ पर मॉइस्चर, और अगर आप मॉइस्चर की बातें करते हैं तो मॉइस्चर ज्यादा तो भी डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा है तो भी डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रहा है, उसमें भी उस केस में भी डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। जब मॉइस्चर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रहा है। यहाँ हम जानते हैं कि माइक्रोब्स, एक बात से बच्चों को क्लियर कर लेनी चाहिए अभी अभी, अरे फैक्टर्स में आपको वही चीजें देखनी है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इफेक्ट करती है, वो चीजें जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को फेवर करती है उससे डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, वो चीजें जिनकी वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ कम होती है उनसे डिकम्पोजिशन कम होगा। आपको सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए वार्म एंड ह्यूमिड चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वार्म भी है और ह्यूमिड भी है, अगर ये मिल रहा है तो डिकम्पोजिशन अच्छा हो रहा है। तो वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट डिकम्पोजिशन के लिए चाहिए। चलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि लिग्निन, लिग्निन, सुबेरीन, एंड काइटिन, लिग्निन, सुबेरीन एंड काइटिन, यहां पर स्लो डिकम्पोजिशन होता है।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, तोड़ने में टाइम लगता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन एंड शुगर रिच सब्सटेंसेस अगर आते हैं, नाइट्रोजन एंड शुगर रिच सब्सटेंसेस अगर आते हैं तो यहां फास्ट डिकम्पोजिशन हो रहा है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। यहां पर बेटा याद रखेंगे आप, अगर एरोबिक कंडीशन होती है, एरोबिक कंडीशन जिसको कि एरोबियासिस के नाम से भी पुकारा जाता है, एरोबियासिस, तो यहां पर डिकम्पोजिशन फास्ट होता है क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि मोस्ट ऑफ डिकम्पोजर बैक्टीरिया आर एरोबिक इन नेचर। लेकिन अगर कंडीशन एनएरोबिक होती है जिसे आप सब एनएरोबियासिस के नाम से पुकारते हैं, डिकम्पोजिशन स्लो होता है। मैंने स्लो लिखा है, स्टॉप नहीं, स्लो लिखा है, स्टॉप नहीं लिखा। इसका मतलब समझ जाइए बेटा कि डिकम्पोजिशन तो हो रहा है लेकिन बहुत धीमा। अरे गोबर गैस प्लांट में एनएरोबिक ही तो होता है, तो वहां पर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा और एनएरोबिक डिकम्पोजिशन स्लो हो रहा है। यहाँ पीएच की जब बात आती है तो पीएच एसिडिक और बेसिक दो तरह की होती है, पीएच एसिडिक भी है और पीएच बेसिक भी है। लेकिन एसिडिक पीएच जिसका कि मैं कहूं पीएच 3.5 से 4, तो इसके अंदर स्लो डीकंपोजिशन हो रहा है। लेकिन अगर पीएच टुवर्ड्स बेसिक मूव करती है तो डीकंपोजिशन फास्ट हो रहा है। तो डीकंपोजिशन स्लो और फास्ट दो तरह का यहाँ पर पीएच के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं टुवर्ड्स बेसिक जब मूव करेगी। बच्चों आपके सामने टोटल 7 फैक्टर आ गए, जिसमें टेम्परेचर भी है, जिसमें मॉइस्चर भी है, जिसमें कि लिग्निन, सुबेरीन, काइटिन, नाइट्रोजन एंड शुगर इज सब्सटेंसेज, एरोबिक, एनएरोबिक और पीएच, ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। अब आप कहेंगे कि सर फैक्टर तो इतने सारे हो गए लेकिन बात जब वेटेज की आएगी तो हम किसे वेटेज यहाँ पर देंगे। अगर ये बात आपके सामने आती है कि वेटेज किसको देना है तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब वेटेज की बात आएगी तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका दो ही फैक्टर को होगा, एक तो यहाँ पर टेम्परेचर और एक यहाँ पर मॉइस्चर। क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं अभी अभी कि डीकम्पोजिशन वहीं सबसे ज्यादा फास्ट होता है जहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छे हो रही है। आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसको देखना है और माइक्रोब्स की सबसे अच्छी ग्रोथ वार्म एंड ह्यूमिड में होती है, तो वार्म एंड ह्यूमिड के अंदर डीकम्पोजिशन सबसे अच्छा हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी की चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। आज मैंने आपको डिकम्पोजिशन प्रोसेस को समझा दिया है बेटा। थैंक यू।